Welcome to Solutions Maharashtra State Board New Syllabus. Dear students, आज हम capacity of solution to dissolve solute पढ़ने वाले हैं. तो आपकी बुक में क्या लिखा है सबसे पहले वो देख लेते हैं. Chemists need to know the capacity of solution to dissolve a solute. Suppose that a solute is added to a solvent, it dissolves readily at first. The dissolution then slows down as more solute is added. If we continue the addition of solute, the dissolution stops. The solution at this point is said to be saturated. A dynamic equilibrium can be reached where the number of solute molecules leaving the crystal to pass into solution is equal to the number of returning from the solution to the crystal. Dear students, ये पैराग्राफ में जो कुछ मैंने भी पढ़ा हूँ तो इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. सपोज एक ग्लास में हमने वाटर लिया है और उसमें हमने शुगर ऐड की है. ओके, हमने यहाँ पर ग्लास में जो वाटर लिया है सपोज कितना लिया है, 100 ml वाटर हमने लिया है और उसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं. कितनी शुगर ऐड कर रहे हैं? अच्छा, अब एक चम्मच मतलब सपोज आप कंसीडर कीजिए कि आपने इसमें 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व की. तो आप मुझे बताइए कि 100 ml वाटर में जब आप 5 ग्राम यानी कि एक चम्मच शुगर डालेंगे तो उसका जो डिसॉल्यूशन रहेगा, उसकी जो स्पीड रहेगी डिसॉल्यूशन की, वो कैसी रहेगी? यानी मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो शुगर आपने डाली है वो जल्दी डिसॉल्व होगी क्या देर में डिसॉल्व होगी? बिल्कुल सही जवाब है आपका, वो जल्दी डिसॉल्व होगी, बल्कि बहुत जल्दी डिसॉल्व होगी. यानी उसका जो रेट ऑफ डिसॉल्यूशन रहेगा वो वेरी फास्ट रहेगा, वेरी फास्ट. ओके, अब आपने इसी सॉल्यूशन में और 5 ग्राम शुगर ऐड की है, यानी और दूसरा स्पून आपने शुगर का उसमें डाला है, तो ये इसमें डिसॉल्व होगी या नहीं होगी? होगी. ये भी कैसी रहेगी? वेरी फास्ट. ओके, आपने इसी सॉल्यूशन में तीसरा स्पून डाला है शुगर का सपोज और 5 ग्राम, तो ये डिसॉल्व होगी या नहीं होगी? होगी. और ये कैसी रहेगी, इसका डिसॉल्यूशन रेट कैसा रहेगा? ये भी फास्ट रहेगा, वेरी फास्ट. लेकिन ऐसा करते करते सपोज आपने यहां पर और 5 ग्राम ऐड कर दी है, यानी आपने अब चौथा चम्मच डाला है शक्कर का, तो अब ये डिसॉल्व होगी लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी बच्चों. तो इतनी ज़्यादा भी कम नहीं होगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसका डिसॉल्यूशन वेरी फास्ट नहीं रहेगा बल्कि फास्ट रहेगा. ओके, अब आपने यहाँ पर पांचवा चम्मच डाला है शुगर का वाटर के अंदर, ये डिसॉल्व होगी लेकिन इसकी जो स्पीड है डिसॉल्व होने की, अब ये स्लो हो जाएगी. अब आपने छठा चम्मच इसमें डाला है शक्कर का पानी के अंदर, तो इसकी जो डिसॉल्यूशन स्पीड है, इसकी हल होने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी. सपोज वो वेरी स्लो हो गई है. ओके,
तो आपने कितनी चम्मच शक्कर डाली है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। 6 चम्मच शक्कर डाल दी है बच्चों आपने, 30 ग्राम, 6 × 5 = 30। अगर सपोज मैं यहां पर एक और 1 चम्मच ले लेता हूं, 7वां चम्मच 5 ग्राम शुगर मैं डाल रहा हूं इसी वाटर में, तो अब ये डिजॉल्व होगा या नहीं होगा? होगा, लेकिन वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो। इसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी, रेट ऑफ डिसॉल्यूशन बहुत ही स्लो हो जाएगा। और जब मैं 8वां चम्मच लूंगा, तो सपोज 8वां चम्मच मैं 5 ग्राम ले रहा हूं, तो ये अब डिसॉल्व नहीं होगा, अब डिसॉल्यूशन स्टॉप हो जाएगा। डिसॉल्यूशन की जो प्रोसेस है ये क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो 5 ग्राम जो 8वां चम्मच आपने डाला था, इसमें से कुछ ना कुछ तो डिजॉल्व हुआ होगा ना, और कुछ अनडिजॉल्व रहेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो समझ लीजिए कि 5 ग्राम में से 2 ग्राम डिजॉल्व हो गई है और 3 ग्राम अनडिजॉल्व है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी शक्कर अनडिजॉल्व रह गई है। अगर आप सपोज इसमें और 1 चम्मच डालते हैं, तो वो भी अनडिजॉल्व रहेगी बच्चों। तो इस स्टेज को कहा जाता है, इस सॉल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन से स्टेज पे आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला है? पहले चम्मच पे नहीं मिला है, दूसरे वाले चम्मच पे नहीं मिला है, बल्कि आपको 8वें चम्मच पर ये सॉल्यूशन मिला है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सबसे अहम खासियत क्या होती है कि थोड़ा सा सॉल्यूट इसमें अनडिजॉल्व हालत में बाकी रह जाता है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने देखा है कि यहां पर वाटर सॉल्वेंट है और शुगर जो है सॉल्यूट है, तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की भाषा में बात करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कुछ सॉल्यूट अनडिजॉल्व स्टेट में बाकी रह जाता है, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब आप मुझे बताइए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट की मिकदार कैसी है? बोलिए, कम है कि ज़्यादा है? देखिए, आपने कितनी चम्मच ऐड किया है इसमें? 8 चम्मच ऐड किया है, तो 7 चम्मच तक तो डिजॉल्व हो चुका, 7 × 5 = 35, और जो 8वां चम्मच था उसमें से 2 ग्राम डिजॉल्व हुआ है और 3 ग्राम डिजॉल्व नहीं हुआ है, तो 35 + 2 37 ग्राम इसमें शुगर डिजॉल्व हो चुकी है। ओके, और 3 ग्राम अनडिजॉल्व है, इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन शुगर का मौजूद है। इसके बाद अगर आप 9वां चम्मच या 10वां चम्मच डालने की कोशिश करेंगे, तो वो बिल्कुल ही डिजॉल्व नहीं होगा। ओके, अब इस सॉल्यूशन की कैपेसिटी खत्म हो गई है, अब वो शुगर और डिजॉल्व नहीं कर सकता है। यही तो हम पढ़ रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिजॉल्व सॉल्यूट, अब सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिए। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? ये आपने 11th में भी पढ़ा है। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन व्हेन एडिशनल सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन इट एट द गिवन टेम्परेचर। ओके, अब गिवन टेम्परेचर भी यहाँ पर, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फैक्टर। अभी फिलहाल हम ये जो भी प्रोसेस कर रहे हैं ये रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं, और रूम टेम्परेचर सपोज आप कंसिडर कीजिए कि 28 डिग्री सेल्सियस पे आप ये प्रोसेस कर रहे हो डिजॉल्यूशन की प्रोसेस, तो यहाँ पर हमको टेम्परेचर भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो फिर से एक बार देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन व्हेन एडिशनल सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन इट एट द गिवन टेम्परेचर। ओके, अब इसके कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं हम, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर।
टेम्परेचर कि टेम्परेचर पर ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है। अगर आप इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देंगे 28 से अगर आप 38 कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ी बहुत और 1-2 चम्मच शुगर डिजॉल्व हो जाएगी। तो इसमें टेम्परेचर का बहुत अहम रोल है बच्चों। तो अभी फिलहाल हम टेम्परेचर को भी अहमियत दे रहे हैं, एट गिवन टेम्परेचर बोलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके बुक में क्या दिया है, देखिए कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इस इक्वेशन को देखिए आप, ये सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिला बच्चों, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिजॉल्यूशन कहते हैं। ओके, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिजॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन इसकी जो बैकवर्ड रिवर्स प्रोसेस है उसका नाम क्या दिया गया है, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो वापस जो है क्रिस्टल में आ रहे हैं, सॉल्यूट की तरफ आ रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड में ये रिएक्शन हो रही है। राइट साइड में जब लेफ्ट टू राइट होगी तो उसको हम डिसॉल्यूशन बोलेंगे, यानी सपोज आपने शुगर के जो क्रिस्टल्स डाले हैं तो वो जब डिसॉल्व हो जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे डिसॉल्यूशन। लेकिन उसी सॉल्यूशन से आपको फिर से शुगर की क्रिस्टल्स मिल रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। लास्ट टाइम भी हमने देखा था व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। ओके, तो डिसॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में जा रहे हैं। ओके, और क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन में के पार्टिकल्स फिर से दोबारा सॉल्यूट में आ रहे हैं। ओके, रिटर्न हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात बताई गई है इस पर आप ध्यान दीजिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा गया है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, देखो बच्चों यहाँ पर आपने शुगर को वाटर में ऐड किया तो क्या हुआ, डिसॉल्यूशन हुआ किसका, शुगर का, और आपको शुगर का सॉल्यूशन मिला है। लेकिन आपने इसमें इतनी शुगर डाली है कि अब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है, अब और उसमें एक्स्ट्रा शुगर डिसॉल्व होने की कैपेसिटी खत्म हो गई है, अब और शुगर उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकती है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, डिजॉल्यूशन है, और बैकवर्ड प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये दोनों भी प्रोसेस जो हो रहे हैं एट द सेम रेट, दोनों की रफ्तार दोनों की स्पीड सेम है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। जितना रेट ऑफ डिसॉल्यूशन रहेगा, हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो इसको कहा जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थी ये, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलिए आगे क्या लिखा है हम देखते हैं। ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम यानी इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हम, लास्ट लिमिट है इसकी। अभी इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमने कितना इसमें डिसॉल्व किया, 37 ग्राम शुगर हमने डिसॉल्व की और 3 ग्राम शुगर अनडिसॉल्व बाकी रह गई, तो ये मैक्सिमम हमने डिसॉल्व कर दिया इसमें। इसीलिए यहाँ लिखा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेड टू बी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
देखो बच्चों, अब सुपर सैचुरेटेड की कंसेप्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन? ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार इक्विलिब्रियम अमाउंट से भी ज़्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। डियर स्टूडेंट, अभी हमने ये जो एग्जाम्पल देखी है, यहाँ पर हमने 37 ग्राम शुगर इसमें डिजॉल्व कर दी है और 3 ग्राम अनडिजॉल्व बाकी रह गई। लेकिन सुपर सैचुरेटेड में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम अमाउंट कितना है बच्चों यहाँ पर? 37 ग्राम। तो सुपर सैचुरेटेड में इसकी मिकदार बढ़ जाएगी और वो कितनी हो जाएगी? 38 ग्राम हो जाएगी। यही कहा गया कि सॉल्यूट की मिकदार ये इक्विलिब्रियम अमाउंट के मुकाबले में बढ़ जाती है। इक्विलिब्रियम अमाउंट कितना था हमारी इस एग्जाम्पल में? 37 ग्राम। लेकिन अब सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड के आगे हमने सुपर लगा दिया बच्चों, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ये एज कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन या इक्विलिब्रियम अमाउंट के मुकाबले में बढ़ जाएगा। यही यहाँ पर लिखा है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट। इक्विलिब्रियम अमाउंट मतलब किसको बोल रहे हैं हम? 37 ग्राम। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना ग्राम शुगर रहेगी? 38 ग्राम। ओके, सच सॉल्यूशंस आर अनस्टेबल। सच सॉल्यूशन आर अनस्टेबल मतलब कौन से सॉल्यूशन अनस्टेबल होते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये अनस्टेबल होते हैं, ज़्यादा देर तक उस हालत में नहीं रह सकते। फिर क्या हो जाते हैं वो? बहुत फास्ट वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं? देखिए यहाँ पर तरीका बताया गया है, द प्रेसिपिटेशन ऑकर्स बाय द एडिशन ऑफ ए टाइनी क्रिस्टल ऑफ सॉल्यूट एंड द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन चेंजेस टू सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब यहाँ पर आपने 38 ग्राम है और अब 38 ग्राम के बाद आपने एक टाइनी क्रिस्टल, एक छोटा सा शुगर और शुगर का एक क्रिस्टल आपने डाल दिया, टाइनी क्रिस्टल कहा गया। आपने एक शुगर का क्रिस्टल अगर ये 38 ग्राम वाले सॉल्यूशन में डाल दिया तो आप प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। चलिए फिर से एक बार इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम अमाउंट कितना था शुगर का? 37 ग्राम। ओके, ये डिजॉल्व शुगर थी। हाँ, और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हो? सैचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें और शुगर अब डिजॉल्व नहीं हो सकती, डिजॉल्यूशन की प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है। लेकिन जब आपने इसमें और थोड़ी शुगर डाल दी तो अब थोड़ी सी शुगर यहाँ पर डिजॉल्व हो गई है और इसको आप क्या बोल रहे हो? सुपर सैचुरेटेड, यानी सुपर सैचुरेटेड में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। और इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर आप एक सिंगल टाइनी क्रिस्टल डालते हो काय का शुगर का, तो उस समय क्या होगा? प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस शुरू होगी। व्हाट डू मीन बाय प्रेसिपिटेशन? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेट वहाँ पर फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये बहुत समझने की ज़रूरत है हमको कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो प्रेसिपिटेट ये कौन से सॉल्यूशन से मिलेगा हमको? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट मिलेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से हमको प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी की। तो पहले क्या लिखा है पढ़ लेते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, ये उसकी डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी की। व्हाट डू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? अमाउंट, अमाउंट किसका अमाउंट? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए आप, व्हाट डू मीन बाय सॉल्युबिलिटी? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, क्या बोलेंगे आप? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। ओके, फिर से एक बार, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। अब पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट का मतलब होता है वन, तो अब ये क्या वन क्या होगा, वन ml भी हो सकता है, वन लीटर भी हो सकता है, 100 लीटर हो सकता है, ओके 1000 लीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों यहाँ, लेकिन वन रहेगा, तो इसीलिए पर यूनिट वॉल्यूम कहा गया है। चलिए आगे क्या लिखा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इज इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉल्युबिलिटी असल में ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है उस सॉल्यूट का। अभी हमने जो एग्जांपल देखी है कि हमने जो चम्मच की चमचों से जो शुगर डाली है पानी के अंदर, तो वहाँ पर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कितना आया था बच्चों, 37 ग्राम। तो ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, ये उसकी सॉल्युबिलिटी वहाँ पर ख़त्म हो गई, अब वो वहाँ पर और सॉल्युबल नहीं हो सकता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इज इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्सप्रेस इन द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स मोल पर लीटर। ओके, तो यहाँ पर जो उसका यूनिट बताया गया है सॉल्युबिलिटी का, वो क्या है, मोल पर लीटर। चलिए आगे देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो द एक्सटेंट टू विच अ सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन ए सॉल्वेंट वेरीज ग्रेटली विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। डियर स्टूडेंट, यहाँ कितने फैक्टर्स बताए गए हैं, देखिए पहला फैक्टर क्या बताया गया है, नेचर। किसका नेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये दोनों का नेचर कैसा है, इसके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड है। सेकंड फैक्टर क्या बताया गया है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर। और तीसरा फैक्टर जो बताया गया है वो है प्रेशर। ओके, तो ये तीन फैक्टर की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हम डिस्कस करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जनरली द कंपाउंड्स विथ सिमिलर केमिकल कैरेक्टर आर मोर रेडिली सॉल्युबल इन ईच अदर देन दोज विथ एंटायरली डिफरेंट केमिकल कैरेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि हमारे पास हर इंसान की जो पहचान होती है, एक पुराने लोग हमेशा कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके दोस्तों से होती है। अगर आपको किसी इंसान की स्टडी करना है कि ये किस टाइप का बंदा है, तो आपको उसके दोस्तों के बारे में सोचना पड़ेगा कि इसके दोस्त किस टाइप के हैं। अगर उस इंसान के दोस्त बहुत अच्छे हैं तो वो इंसान भी अच्छा ही होना चाहिए। तो इसे कहते हैं कि हम जो है उन्हीं लोगों से दोस्ती करते हैं जिनमें हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं। ओके, तो हमारे केमिस्ट्री में इसी उसूल को कहा जाता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्या कहा जाता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ओके, तो ये रूल है हमारे पास सॉल्युबिलिटी का। तो ये रूल के तहत यहां पर हम देखते हैं क्या होगा, द सेइंग दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक गाइड्स टू प्रेडिक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन ए गिवन सॉल्वेंट। Thus, substances having similar intermolecular forces are likely to be soluble in each other. Generally, polar solutes dissolve in polar solvent. Underline कीजिए इस sentence को. Generally, polar solute dissolves in polar solvent. तो जो polar रहेगा solute, polar solute का मतलब क्या है? ऐसा सॉल्यूट जिसको दो पोल है, पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये पोलार सॉल्यूट किस में डिजॉल्व होगा बच्चों, पोलार सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। ओके, और इसके उल्टा कीजिए आप, अगर कोई सॉल्यूट नॉन पोलार है तो नॉन पोलार सॉल्यूट ये किस में डिजॉल्व होना चाहिए, बताइए, बिल्कुल सही सोच रहे आप, नॉन पोलार सॉल्वेंट। अब यहाँ पर नॉन पोलार सॉल्यूट का मतलब क्या है कि ऐसा सॉल्यूट जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नहीं है। आमतौर पे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सब नॉन पोलार सॉल्यूट्स होते हैं। ओके, और नॉन पोलार सॉल्वेंट जिसको कोई पोल नहीं होता है, फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ओके, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है,
तो ये सब नॉन पोलार सॉल्वेंट है। और यहाँ पर पोलार सॉल्वेंट का जो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, वाटर। वाटर इज द पोलार सॉल्वेंट। या आप नॉन एक्वियस सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, जैसे अमोनिया। अमोनिया भी पोलार सॉल्वेंट है। ओके, तो हम और इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। जनरली पोलार सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलार सॉल्वेंट, दिस इज बिकॉज इन दिस सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस आर ऑल ऑफ सिमिलर मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल NaCl डिजॉल्व इन वाटर। अब NaCl ये वाटर में क्यों डिजॉल्व हुआ है? NaCl ये जो कैसा सॉल्यूट है, पोलार है कि नॉन पोलार है? बिल्कुल सही है, NaCl ये पोलार सॉल्यूट है। और वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलार है, इसीलिए तो NaCl वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। अब आप जब वाटर में NaCl ऐड करोगे, डिजॉल्व करोगे, तो यहाँ पर तीन टाइप के इंटरेक्शन यानी तीन टाइप के फोर्सेस काम कर रहे हैं, और ये तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इन फोर्सेस का नाम क्या है बच्चों? देखो कि सोडियम क्लोराइड के जब पार्टिकल्स आप वाटर में ऐड करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड के दो पार्टिकल्स के बीच में भी इंटरेक्शन होगा। वो इंटरेक्शन आप बता सकते हो किस टाइप का होना चाहिए? वो इंटरेक्शन देखिए किस टाइप का होना चाहिए। जब आपने NaCl को वाटर में ऐड किया, तो NaCl के जो आयंस है, Na पॉजिटिव और दूसरा रहेगा Cl नेगेटिव। ओके, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो यहाँ पर रहेगा। लेकिन जब ये वाटर में आ गया, तो Na और Cl इनके अतराफ वाटर के मॉलिक्यूल्स जमा हो जाएंगे और आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, Na पॉजिटिव, इसके अतराफ वाटर के मॉलिक्यूल्स जमा हो जाएंगे इस तरह से। Cl नेगेटिव के अतराफ भी वाटर के मॉलिक्यूल जमा हो जाएंगे इस तरह से। तो ये एक नया इंटरेक्शन हो गया बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, आयन डायपोल इंटरेक्शन कहेंगे। आयन डायपोल इसलिए कह रहे हैं ये दोनों इंटरेक्शन को, क्योंकि आयन यानी यहाँ पर या तो Na पॉजिटिव हो सकता है या Cl नेगेटिव हो सकता है। और डायपोल किसे कहा जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल में दो पोल होते हैं, इसीलिए डायपोल कहा गया। जैसे कि हम वाटर को इस तरह से बता सकते हैं, HOH। आप देखिए O पर नेगेटिव चार्ज है, H पर पॉजिटिव चार्ज है, वैसे ही इस H पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव पोल भी नज़र आ रहा है और पॉजिटिव पोल भी नज़र आ रहा है, इसीलिए हम इसको डायपोल कह रहे हैं। तो ये इंटरेक्शन देखो बेटा, यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो इंटरेक्शन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आयन आयन के बीच का इंटरेक्शन या सॉलिड सॉलिड का इंटरेक्शन। ये होगा सॉलिड सॉलिड का इंटरेक्शन। यहाँ पर Na पॉजिटिव वाटर के जरिए घिरा हुआ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आयन डायपोल इंटरेक्शन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ओके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट कौन है, Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव। सॉल्वेंट कौन है, वाटर। ये इंटरेक्शन यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और तीसरे हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं कि वाटर के जो पार्ट मॉलिक्यूल्स है, यानी वो आपस में उनके बीच भी इंटरेक्शन हो रहा है। कि हम वाटर के दो मॉलिक्यूल्स आप देखो बच्चों, यहाँ पर ये एच पर पॉजिटिव और ओ पर नेगेटिव, तो ये एक मॉलिक्यूल का नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन और पड़ोस के मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, इनके बीच भी इंटरेक्शन हो रहा है, इनके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो तीन टाइप के इंटरेक्शंस है, ये तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तीनों का फोर्स इक्वल फोर्स है। यानी पहला वाला जो है, हम इसको क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट टू सॉल्यूट इंटरेक्शन। कौन सा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। उसके बाद सोडियम पॉजिटिव आयन जब वाटर मॉलिक्यूल्स के जरिए घिर गया है, या Cl नेगेटिव आयन जब वाटर मॉलिक्यूल्स के जरिए घिर गया है, तो इस इंटरेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं,
सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और जो तीसरा इंटरेक्शन आपको नजर आ रहा है उसी सॉल्यूशन में, दो या दो से ज्यादा, अभी तो हमने यहां पर फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूशन में बच्चों, वहां वाटर मॉलिक्यूल, तो उनके बीच भी जो इंटरेक्शन हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो कहने का मतलब ये तीनों इंटरेक्शन इक्वल है, कोई कम है ना कोई ज्यादा है, और इसी वजह से यहाँ पर NaCl जो है ये वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, यही बात यहाँ पर बताई गई है। ओके, अब आगे क्या लिखा है हम देखते हैं। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। अभी हमने बात की है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। अभी यहाँ पर बहुत बढ़िया एग्जांपल दी गई है कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसीलिए ये नॉन पोलर है, और ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा बच्चों, ये काय में डिजॉल्व होगा, बेंजीन में, और बेंजीन ये सॉल्वेंट कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। कैन यू टेल व्हाई नेप्थेलिन डिजॉल्व्स इन बेंजीन बट नॉट इन वाटर। नेप्थेलिन ये जो है बेंजीन में डिजॉल्व होता है लेकिन पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, इसकी क्या वजह हो सकती है। देखो बच्चों, हम इसके बारे में ये बोलेंगे कि नेप्थेलिन, नेप्थेलिन का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये प्योरली हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, और हाइड्रोकार्बन ये हमेशा क्या रहेगा, नॉन पोलर रहेगा। ओके, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और इसीलिए वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि वाटर ये पोलर सॉल्वेंट है जबकि बेंजीन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसीलिए नेप्थेलिन जो है हमेशा किस में डिजॉल्व होगा, बेंजीन में डिजॉल्व होगा और वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। उसके नीचे क्या लिखा है देखते हैं हम। शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, द डिजॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ड्यू टू इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन शुगर एंड वाटर। डियर स्टूडेंट, अब शुगर, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि शुगर ये वाटर में क्यों डिजॉल्व है, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि शुगर ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब शुगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये जो है नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, तो फिर वाटर तो ये पोलर सॉल्वेंट है, उसमें शुगर कैसे डिजॉल्व हो रहा है। तो यहाँ थोड़ा आप ये इसको एक एक्सेप्शनल केस समझ के लीजिए। देखो बच्चे, शुगर का फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या आप शुगर का फॉर्मूला बता सकोगे? बिल्कुल सही है, C12H22O11। ये शुगर वही है जो हम चाय में डालते हैं बच्चों, कोई दूसरी शुगर की बात नहीं कर रहे हैं, वही शुगर है। तो अब इसके फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो और आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी है। ओके, तो हम इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते बच्चों, इसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन में खास बात आपको मालूम होती है कि जब कभी जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन होता है तो वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, तो ये शुगर का जो ऑक्सीजन है, जैसे ही शुगर आप वाटर में डालेंगे तो वाटर में हाइड्रोजन पहले से ही मौजूद है, उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा और इसकी वजह से ये शुगर वाटर में डिजॉल्व हो पा रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके किसके बीच तैयार हो रहा है? शुगर का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसी वजह से शुगर वाटर में डिजॉल्व हो पा रही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।